इस वीडियो में आज हम जानेंगे अग्निपथ योजना के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा अभी अब हर एक जगह पे सुन रहे हैं। इसका नाम अग्निपथ योजना क्या है, अग्निवीर क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं अग्निपथ योजना क्या है, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा भारतीय सेना में कम अवधि के लिए बहाल की गई एक नई योजना की शुरुआत है, जी हाँ, और जिसका नाम दिया गया इसमें अग्निपथ स्कीम या फिर अग्निपथ योजना भी आप कह सकते हैं इसको। इसके माध्यम से 10th और 12th पास युवाओं को सेना के 3 अंग थल सेना, जल सेना और नौसेना में अग्निवीर के रूप में 4 साल तक सैनिक के रूप में सेवा देने का मौका मिले। तो देखिए, अग्निपथ योजना जो है इसमें आपका उम्र 17 से 21 वर्ष तक आप इसमें ज्वाइनिंग कर सकते हैं, जी हाँ। और इसमें योग्यता जो है ये आपका सीनियर सेकेंडरी या 10th और 12th जो की है इसमें, ठीक है। और पहले की तरह इसमें फिजिकल टेस्ट भी होगा। सेवा की अवधि इसमें 4 वर्ष का है, जी हाँ। प्रशिक्षण भी इसमें 6 महीने के लिए। और इसमें जो वेतन है, सबसे पहला जो पहला पॉइंट है, इसमें आपको जो पहला वर्ष रहेगा उसका जो 4 सालों में, तो पहला वर्ष में 30,000 रुपये का वेतन रहेगा, जिसमें कि 9,000 की कटौती किया जाएगा और 21,000 रुपया महीना में मिलेगा, जी हाँ। 9,000 रुपया जो कि है वो आपका लास्ट में दिया जाएगा, ठीक है। जब 4 साल बाद जो भी हो जाएगा उसमें जितना ये कट के जितना पैसा होगा उसका उतना पैसा आपका गवर्नमेंट से भी मिला के दिया जाएगा वो पैसा। फिर जो आपका दूसरा वर्ष होगा वो 33,000 रुपये महीना होगा, जिसमें से 10,000 रुपया कट जाएगा उसमें और 23,000 रुपया मिलेगा उसमें। जबकि तीसरा वर्ष में 36,000 रुपया मिलेगा, जिसमें कि 11,000 कटेगा उसमें 25,000 रुपया मिला दिया जाएगा उसमें। और जो कि चौथे वर्ष लास्ट जो इसका ये होगा उसमें आपका 40,000 का होगा, जिसमें आपको 12,000 रुपया कट के 28,000 रुपया मिलेगा उसमें। अब देखिए इसमें कि 4 साल सेवा अवधि बाद जब रिटायरमेंट पर आएगा तो उस टाइम उनको पैकेज के तौर पर 11,71,000 रुपये मिलेगा उसमें। ये जब रिटायरमेंट होगा 4 साल बाद तो उसमें उनको दिया जाएगा 11,71,000 रुपये, जी हाँ। ये 4 साल की के उपरांत योग्यता मापदंडों के हिसाब से 25% जवानों को स्थायी रूप से सेना नियुक्ति दी जाएगी, यस। उसमें से 25% को रख दिया जाएगा, 4 साल बाद भी वो सेना में रह सकेंगे। और फिर इसमें जो 75% रहेगा उनको अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसके बेस पर वो प्राइवेट कंपनियों में जॉब की प्राथमिकता मिलेगी। साथ ही खुद का व्यवसाय करने के लिए लोन भी दिया जाएगा उसमें। और आपको बता दें इसमें कि तीनों सेनाओं के प्रतिवर्ष इसमें 50,000 जवानों की भर्ती की जाएगी, यानी हर साल इसमें 50,000 जवान का लक्ष्य रखा गया है। तो ये था हम लोग का आज का इस वीडियो में अग्निपथ योजना को लेकर पूरा आपको बता दिए। तो आप इस योजना को लेकर कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।